रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यूं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हर एक व्यक्ति पर बनी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न रहती हैं। जी हाँ, ऐसे लोग माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त माने जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी को सच्चे मन से प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी अपने इन सच्चे भक्तों पर कृपा करने से पीछे नहीं हटती। बहरहाल, आज हम आपको कुछ ऐसी ही राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा अब आने वाले कुछ सालों तक बनी रहने वाली है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक राशि आपकी भी हो। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताती हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहां पर जिन राशि वालों की बात कर रही हैं उनकी अब आने वाले समय में तकदीर ही बदलने वाली है। इनके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक खुशियां ही खुशियां देखने को मिल सकती हैं। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, इन राशि वाले लोगों को धन लाभ होने के शुभ योग बन रही हैं। इनको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावना बन रही है। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना भी है। कार्यस्थल में आपके कामकाज की प्रशंसा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियों भरे पल आपके आएंगे। आपको अपनी पसंद की कंपनियों में साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। प्यार और जुनून आपके दिलो दिमाग पर इस दौरान छाया रहेगा। नए लोगों से आप परिचित होंगी। शत्रुओं पर आप जीत हासिल करने में भी सफल रहेंगी। व्यापार में आप लगातार उन्नति हासिल करेंगे। प्रेम संबंधित मामलों में चल रही समस्याओं का समाधान आपका हो सकता है। आपके द्वारा की गई कोशिश लाभदायक रहेगी। निजी जीवन में आपकी सुधार आएगा। जीवन जीने के लिए एक नया नज़रिया आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप सुख भरा समय व्यतीत करेंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान सफलता हासिल होगी। इस दौरान व्यापार में विस्तार होने के योग भी बन रहे हैं। लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, इस राशि के लोगों के लिए आने वाला नया साल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष पंचम भाव में मौजूद शनि प्रथम वरदान आपको अपनी मेहनत का फल दिलाने के रूप में प्राप्त करवाएंगे। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से आप व्यापार, कर्म क्षेत्र, करियर में सफलता के लिए मेहनत कर रही हैं और दोस्तों अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं, तो यकीनन दोस्तों सफलता की वह सीढ़ी आप चढ़ पाएंगे जहां से वापस आना अब मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, बिजनेस करने वालों के लिए भी यह नया साल मालामाल आपको कर देगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आप अपने बिजनेस में विस्तार करने में भी कामयाब रहेंगे। व्यापार में अच्छा आपको ग्रोथ होगा, जिसका लाभ आपको करियर में धन वृद्धि के रूप में अवश्य मिलेगा। जो लोग महामारी के चलते मंदी की चपेट में आ चुके हैं, वह अपने कार्य क्षेत्र में इस दौरान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, पिछले समय में आपको हुआ घाटा अब आप दूर कर पाएंगे। शत प्रतिशत इस दौरान आपको धन का निरंतर आगमन होता रहेगा। धन प्राप्ति के चलते आप अन्य जगह पर भी धन का निवेश कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपका नया व्यवसाय का फैसला आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, नवरात्र के बाद आपको अपने करियर में
कई सारे महत्वपूर्ण मौके प्राप्त होंगे और उसका लाभ उठाने में भी आप कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से निश्चित ही दूसरा वरदान धन प्राप्ति के रूप में आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का आपको साथ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपके संबंध मजबूत होंगे, जिसका कि लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, व्यापार में लिए गए आपके बड़े फैसले आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोल देंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रही हैं तो ये नया साल आपके लिए पदोन्नति के रूप में बड़ी सौगात आपको दे सकता है। सुख के घर में चार ग्रहों का एक चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, जिसके चलते आपके भाग्य और कर्म का दृष्टि संबंध बनेगा और इस राजयोग का लाभ आपके करियर पर होगा। जो लोग लंबे समय से एक लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी ढूंढ रही हैं, उन्हें इस दौरान नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, रोजी रोजगार में आपकी वृद्धि होगी, आप लोग एक स्थायी जगह पर कार्य कर सकेंगे। वहीं जो नौकरी में बदलाव की इच्छा कर रही हैं, उनकी भी यह इच्छा पूर्ण होगी। वहीं दोस्तों, इस नए साल के पहले 6 महीनों में आपको अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आपके बनेंगे, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, जमीन मकान प्रॉपर्टी बिकने के योग भी बनेंगे, धन संबंधित मुनाफा आपको प्राप्त होगा। नए साल में आपको कई विदेशी स्रोतों से भी धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा, मंदी की मार दूर होने का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना जो लोग देख रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु उच्च संस्था में दाखिला लेना चाहती हैं और जो शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें नई सौगात मिलने वाली हैं। दोस्तों, छात्रों को सबसे बड़ा इस दौरान लाभ होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों को इस दौरान ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम भी आपके अनुकूल रहेंगे, खासकर सरकारी नौकरी प्राप्त करना यदि आप चाहती हैं तो उनके लिए नया साल भाग्य बनकर आया है, किंतु उसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में प्रेम को लेकर तरस रही हैं, शादी नहीं हुई है या फिर अकेले अकेले ज़िंदगी बिता रही हैं, निश्चित दोस्तों यह वर्ष आपको सिंगल नहीं रखने वाला। इस वर्ष के प्रारंभ में ही आप किसी के प्रति आकर्षित होंगे, घर ऑफिस या कॉलेज के आसपास आपके नए संबंध की शुरुआत होगी, जो भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, अब चलिए आपको बता देती हैं कि आखिर वह राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि ये राशियां हैं मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि और मकर राशि। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आपकी राशि कौन सी है यह भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो वह भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकती हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।